हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले कि जो मेरी ये TVS Ntorq है, इसका जो टैंक है, टैंक कितने का फुल होता है। तो फटाफट हम चलते हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे जाम बड़ा था अभी पीछे जनकपुरी साइड पे, क्योंकि आज यहाँ पे वेनसडे मार्केट लगी पड़ी है और आज बारिश भी हुई है, तो थोड़ी रोड स्लिपरी है। बाकी हम चलते हैं। भाई रॉन्ग साइड जाना गलत बात है, आप में से कोई रॉन्ग साइड ना आए। ये तो यहाँ पे जाम लग गया था, बस में भी रॉन्ग साइड आना पड़ा। तो हम निकल रहे हैं, बस पेट्रोल पंप पहुँच जाएंगे, पेट्रोल डलवाते हैं, देखते हैं कितने का डलता है। तो भाई वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर थोड़ा एंगल गलत आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट करी है वीडियोस बनाना, तो मेरे को इतना एंगल का पता नहीं लग पाता। और ऊपर से मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो वो भी एक दिक्कत है कि उसमें इतना अच्छा एंगल आ नहीं पाता जितना कि कैमराज में आता है, जैसे कि GoPro में आ जाता है। उसमें क्या है ना, देखो मेरा भी जो फ़ोन है मैंने उसका भी वाइड एंगल कर रखा है, वाइड एंगल में इतना आ रहा है, लेकिन जो GoPro वगैरह होता है उसका वाइड एंगल इससे भी ज़्यादा होता है। मतलब जैसे अगर इतना कवर कर रहा है तो ये उससे ज़्यादा कवर करेगा जो GoPro होता है, तो GoPro का ये फ़ायदा रहता है। बाकी इससे भी कोई बेकार तो हो नहीं रहा, सही है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। तो देख सकते हैं आप, पेट्रोल तो बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया है, रिजर्व पे लगी हुई है गाड़ी। देखते हैं कितने का पेट्रोल डलता है, रिजर्व से जो टंकी फुल है वो कितने की होती है वो देखते हैं। फुल कर देना, हो गई ना फुल 448 की। ये गन्ना कितने पूरे हैं? तो भाई देखो ये टंकी हो चुकी है फुल 450 की, 450 की Ntorq की टंकी होती है फुल। तो हवा वगैरह तो भरी हुई है, तो हवा में भरवाऊँगा नहीं। हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट, इतनी जल्दी में आया तो यहाँ पर तो बड़ा जाम मिलेगा। तो मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।